In the name of Allah, the beneficent and the merciful. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the next poem, Woman work It is written by Maya Angelou. We also can uh, call it as Maya Angelou. Maya Angelou was an American author, poet, dancer, actress and singer. She published seven autobiographies.

उनकी सेवन ऑटोबायोग्राफीज पब्लिश हो चुकी हैं थ्री बुक्स ऐसे की पब्लिश हो चुकी हैं और काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो पोइट्री की और वो प्लेज भी लिख चुकी हैं सो वी कैन इमेजिन हियर दैट शी हैज़ परफॉर्म्ड मेनी एक्टिविटीज एंड शी हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट वर्क्स। ओके सी द नेक्स्ट फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द थीम्स ऑफ दिस पोएम

एक्चुअली हेयर द राइटर क्रिटिसाइज़ द लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वूमेन ड्यू टू लोड ऑफ़ वर्क तो एक घरेलू औरत की ज़िंदगी पे तंज कर रही है राइटर तंज क्यों कर रही हैं कि ओवरलोड की वजह से काम की ओवरलोड की वजह से कि उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है अब उसके आउटकम्स क्या निकलते हैं वाई डू वी से इट डेट दीज थीम्स कैन बी कंसिडर्ड इन कॉन्टेक्सट ऑफ दिस पोएम एक्सोशन ड्यू टू वर्क लोड द वमेन एज फेडअप बट शी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू मैनी वर्क उसकी ज़िम्मेदारी है उसको बहुत सा काम करना है बट शी ऑल्सो हैज़ द एक्सपेक्टेशन टू इंजॉय द लाइफ लेकिन उसकी उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहती है खुश रहना चाहती है रेस्ट करना चाहती है समटाइम्स शी फील्स लॉन्नेस हर वक्त ही काम करते रहना और फिर वो फील करती लॉन्नेस महसूस करती है तन्हाई महसूस करती है आइसोलेशन एंड रिलीफ बट शी वॉन्ट्स टू गेट द रिलीफ ओके तो अब वो क्या वो सुकून भी चाहती है डेली लाइफ से जो है सेम काम करने से अब वो तंग आ चुकी है और वो भी चाहती है कि उसका वक्त जो है वो डिफ़रेंट गुजरे बिकॉज चेंज इज़ द सेंस ऑफ लाइफ ज़िंदगी में चेंज होता रहना चाहिए ओके टॉपिक सेंटेंसिस द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोइम खनवीज हार्ड रियलिटी ऑफ वर्क थ्रू इम्प्लिकेशन एंड स्टैकेटो सेंटेंसेस पहले जो सेंटेंसेस है पोइम के उसमें हमें एक हार्ड रियलिटी दिखाई गई है कि काम जिसमें काम की एक रूटीन बताई गई है कि खातें जो हैं वो कैसे काम करती हैं और उनकी डेली रूटीन का होता है द सेकेंड हाफ डिमॉन्स्ट्रेट्स द डिस्क्रिप्शन फॉर रिलीफ बाई टर्निंग टू फैंसीफुल लैंग्वेज एंड तो सेकंड हाफ में जो है वो उसकी ख़्वाहिश को बताया गया है कि वो इस्केप चाहती है इसकेप क्यों चाहती है वो इस हार्श रियलिटी से वो इस रूटीन से तंग आ चुकी है वो इस्केप चाहती है ताकि कुछ वक्त जो है वो मुख्त मुख्तलिफ गुजार सके और जो है लाइफ इंजॉय कर सके अगर हम करंट सिचुएशन को देखें लाइक like अब कोरोना हैज़ बीन स्प्रेड एवरीवेयर तो क्या हुआ है बहुत से लोगों के काम रुक गए बिल्कुल फ्री हो गए ठीक है कुछ लोगों को आ, कुछ लाइफ वक्त के लिए छुट्टियाँ मिल गई ना लेकिन अगर जो है हम वुमेन के काम की तरफ़ देखें उसका काम तो नहीं रुका ना वो तो बल्कि ज़्यादा हो गया डबल हो गया इसी तरह डिफरेंट इवेंट्स आते हैं लाइफ में तो उसमें मुख्तलिफ़ लोग जो कि जॉब्स कर रहे होते हैं किसी का बिजनेस होता है या फिर डिफरेंट मतलब ये कि प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं तो बट क्या है कि उनको छुट्टी होती है वो घर में रहते हैं इंजॉय करते हैं फ्री रहते हैं लेकिन अगर वुमेन वर्क की हम बात करें तो उसका काम तो ख़त्म नहीं होता कोई भी इवेंट आ जाए शी हैज़ टू डू द ऑल एक्टिविटीज़ आइ दे आर रिलेटेड टू द चिल्ड्रेन आर दे आर रिलेटेड टू द होम कि घर की सफाई है तो उसको करनी है चाहे वो ईद आ गई है चाहे कोई और इवेंट आ गया है वट एवर द इवेंट इज़ हेअर वो तो डस्टिंग तो होनी ही होनी है बच्चे हैं उनकी केयर तो करनी ही करनी है कोई भी इवेंट आ जाए कुछ भी हो जाए वो तो छुट्टी नहीं होती इसी तरह जो है बाकी कुकिंग का काम जो है वो भी करना है सो शी इज़ बाउंड टू डू द वर्क एवरी डे सो दैट्स वाई शी इज अप ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम आई हैव गो द चिल्ड्रन टू टेंट द क्लॉथ्स टू मैं द फ्लोर टू मॉप द फूड टू शॉप ठ ठ ठ ठ ठीक है ओके देयर आर समर्ड्स एंड यू कैन सी दीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स टू टेंट का मतलब होता है देखभाल करना केयर करना मैंट मीन मरम्मत करना एंड मॉप मीन सफाई करना झाड़ू देना फीड मीन खिलाना पिलाना ओके आई हैव गो द चिल्ड्रेन टू टेंट्स मेरे पास बच्चे हैं जिनकी मैंने देखभाल करनी है जिनकी मैंने केयर करनी है द क्लॉथ्स टू मैंट्स और क्लॉथ्स हैं जिनको मैंने मरम्मत करना है सेट करना है द फ्लोर टू मॉप और फर्श है जिससे जिसे मुझे धोना है मुझे साफ़ करना है द फूड टू शॉप और मुझे खाना लेके आना है दुकान से या फिर सामान लेके आना है तो यहाँ पे वो पूरी लिस्ट दे रही है कि उसको क्या क्या काम करने हैं ना द चिकन टू फ्राई चिकन है जो मुझे फ्राई करना है मुझे खाना बनाना है द बेबी टू ड्राई बच्चा है उसे मुझे खुश करना है आई गोट कंपनी टू फीड the garden to weed i have got the shirts to press the tots to dress the cane to be cut i go to clean up this hut ji to i go to company to feed mere sath kuch log hain matlab mere family members hain jinko maine khana khilana hai the garden to weed और बाग है जिसको मैंने साफ़ करना है उसमें से घास फूस निकालना है जो extra पौधे हो जाते हैं ना तो उसको निकाला जाता है नीट किया जाता है तो यहाँ पे ये यह हम इस सेंस में भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम सिटी लाइफ को कंसीडर करें तो घर में लॉन वगैरह होते हैं माइट भी उसकी सफाई करनी हो या फिर अगर हम विलेज वुमेन की बात करें तो शी हैज़ टू डू वर्क इन द फील्ड्स एज वेल तो वो खेतों में भी काम करने जाती है तो वहाँ पर इस तरह के काम किए जाते हैं आई हैव गो द शर्ट्स टू प्रेस बहुत से शर्ट्स हैं जो मुझे प्रेस करनी है द टॉट्स टोट्स कहते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का द टॉट्स टू ड्रेस बच्चों को चेंज करवाना है एंड दिंग टू बी घट और जो है मुझे झारियाँ जो है वो कट करनी है आई गो टू क्लीन अप दिस हर्ट मुझे इस घर को या इस रूम को साफ़ करना है अब माइट भी वो रूम या घर जहाँ पे वो रह रहे हैं या फिर उसी घर का जो है एक पार्ट होता है स्टोर रूम जिसे हम बोलते हैं जिसमें ऊफ़ी सामान रखा जाता है तो उसको जब साफ किया जाता है तो बहुत वक्त लगता है माइट भी कि औरत जो है वो उसकी बात कर रही हो ओके सी द नेक्स्ट शाइन ओके नाव शी इज़ फेडअप ड्यू टू द डेली रुटीन एंड नाव शी वॉन्ट्स टू इस्केप फ्राम द हार्ड रियलिटीज एंड फ्राम द डेली रुटीन टू द नेचुरल एलिमेंट्स हर टू द नेचुरल वर्ल्ड अफ फितरत की दुनिया में जाना चाहती है इंजॉय करना चाहती है इस्केप चाहती है शाइन ऑन मी सनशाइन रेन ऑन मी रेन फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड खूल माई ब्रो अगेन ओके okay. okay, shine on me sunshine सूरज की किरणों मुझ पर चमको रेन ऑन मी रेन बारिश मुझ पर बरसो फॉल सॉफ्टली दियो ड्रॉप्स शबनम के कतरो आस्तगी से आराम से नरमी से मुझ पर गिरो एंड खूल माई ब्रो अगेन ब्रो कहते हैं पेशानी को और मेरी पेशानी को फिर से ठंडा कर दो स्टॉम ब्लो मी फ्रॉम हियो ब्लो का मतलब होता है उड़ा के ले जाना सॉरी स्टोम ब्लोमिंग फ्राम हेयर तूफान मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाऊँ वे जियोफायरेस्ट वेंड अपनी पुरजोश और तेज़ हवा के साथ एंड लेट मी फ्लोट एक्रोस दस खाए फ्लोट का मतलब होता है तैरना और मुझे इस आसमान पे तैरने दो ची लाइक कैन रेस्ट अगेन यहाँ तक कि मैं दोबारा रेस्ट कर सकूँ कि मैं जो है वो रेस्ट करूँ शीज फेड अपना नाउ शी वॉन्ट्स टू इस्केप फ्राम this world from the uh, world where he has to do many activities and many works on the daily basis now she wants to spend some time in a different way i okay, see the next line fall gently snow flakes ji flakes kehte hain barf ke gaale ko और gently का मतलब होता है नरमी से आहिस्ता से बर्फ के गालो आहिस्ता से गिरो cover me with white cold icy kisses और मुझे सुफे ठंडी बर्फ़ से ढांप लो मी रेस्ट टू नाइट और सारी रात मुझे आराम करने दो ओके सन रेन खविंग स्काई खविंग का मतलब होता है मोड़ता हुआ या बल खाता हुआ माउंट चेन ओशिय स्लीफ एंड स्टोन स्टार शाइन एंड मून ग्लो यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ऑन ए सूरज ए बारिश ए बल खाते हुए आसमान ए पहाड़ ए समंदर ए पत्तों ए पत्थर और ये चमकने वाले सितारे और चांद की रोशनी यू आर ऑल आई कैन कॉल माई ओन तुम सब वो हो जिसको मैं अपना कह सकती हूँ वी कैन सी कि शायद उसका कोई एहसास नहीं करता ठीक है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता जो वो इस वे में सोच रही है ना दे आर मैनी वुमेन हु आर फेसिंग सच टाइप ऑफ सिचुएशन अराउंड अस इफ़ वी ऑब्जर्व दचुएशन है अगर कभी ऑब्जर्व करें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी खुतन ऐसी हैं

so all these things have been described here the overall purpose of the poem is that the writer wants to say that our life is full of difficulties but if we want to make it worth living we should have some ideas aims and dreams but the charm of our dreams makes our life bearable and pleasurable so an idealization of some sort is necessary for the survival of a फॉर एस एज ह्यूमन बींग्स सो एक्चुअली इट इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डल एंड ट्रेप लाइफ ऑफ अ वूमेन तो यहाँ पे तनस कह रही है ना राइटर एक बेरंग और बेकैफ़ जिंदगी के बारे में जो कि हमारी घरेलू खातें गुजारती हैं ओके एंड बिकॉज दे दे हैव टू फेस द मैकेनिकल रूटीन एंड द मैकेल रूटीन ऑफ लाइफ है टैचनिंग इम्पैक्ट अपॉन हर तो उनकी ज़िंदगी जो है वो उस पर उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है ही वॉन्ट्स टू इस्केप टू एनी ने वर्ल्ड ऑफ नेचुरल ब्यूटी वन द बर्डन ऑफ लाइफ बी कम्स टू हैवि शोल्डर जब जिंदगी का जो है एक रिस्पॉन्सबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो तब वो चाहती है कि वो स्केप हासिल कर ले एंड शी वॉन्ट्स टू गेट रिफ्यूज इन टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर ये शी कैन फील ईच एंड एवरी थिंग्स यर शी कैन फील द ब्यूटी ऑफ द नेचर सो दीज थिंग्स हैव बीन डिस्क्राइबड हेयर हेयर यू कैन सी द इमेज वट टाइप ऑफ वर्कस वुमेन हैव टू डू एट देअर होम्स ओके द टेक्स्ट अगेन हेयर ओके हेयर यू कैन सी

so you have to explain you have to write the all aspects of this poem critical appreciation में भी आप critically analyze करते हो सारे aspects सा आपने बयान करने होते हैं लिखने होते हैं and the idealization of some sort necessary for our survival as seen human being क्या हमारी जो है ज़िंदगी की बका के लिए आइडियलाइजेशन क्यों इतनी ज़रूरी है ना मतलब ये कि जैसे वो नेचुरल एलिमेंट्स को पुकारती है वो वहाँ पे वक्त गुजारना चाहती है तो ऐसा क्यों है ना तो इसमें आप एक तो आपको पहले रूटीन बताना पड़ेगी कि कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से जो है हम लोग फेडअप हो जाते हैं मैकेनिकल रूटीन से हम कैसे फैडअप होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है तो फिर आइडियलाइजेशन का क्या रोल प्ले है हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टर स्केच ऑफ वुमेन डिपिक्टेड इन द पोएम तो सेम आपने पूरी एक औरत की कहानी लिख देनी है एंड डिस्क्राइब डेली रूटीन ऑफ वुमेन वही क्वेश्चन अगेन एंड यू हैव टू राइट द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ओके तो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन से मोल करके भी आ, आ सकते हैं बट आपने क्या करना है यू हैव टू सी द की पॉइंट इन द क्वेश्चन ना क्वेश्चन में देखना है कि की पॉइंट क्या है अब जो एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं उसी से रिलेटेड कोई भी जो है क्वेश्चन किया जाएगा बट किसी एक जो है वर्ड पे फोकस किया जाएगा या तो वो डेली रूटीन पे या फिर वो नेचुरल एलिमेंट्स पे जिस पे भी फोकस किया जाए तो आपने भी उसी पे फोकस करते हुए सारी जो है चीज़ें जो हैं वो लिख देनी है लाइक डिस्कस हाउ द डेली एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोइट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉमन हाउस वाइफ लाइफ ठीक है तो वो क्या एक्सपीरियंसेस हैं पोइट के एज अ रिप्रजेंटेटिव वो है ना यहाँ पे हाउस वाइफ की तो वो क्या बताती हैं उनके क्या तजर्बात हैं वाई डज़ माया एंछलो लाइक टू कॉल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डिस्क्राइबड हेयर हर ओन तो यहाँ पे माया एंचलो ने क्यों कहा है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वही उसी के अपने हैं ऐसा क्यों कहा है रीज़न क्या है इसकी ना तो रीज़न क्या होगी वही मकैनिकल रूटीन है जिसकी वजह से फेडअप होती हैं खातान और फिर वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को कॉल करती हैं ड्रा आ करेक्टर स्केच ऑफ द वुमेन एंड द पोएम वही क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड यू हैव टू राइट द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ओके नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर दीज यू हैव टू एट द कोटेशंस एटलीस्ट आपने हर क्वेश्चन के आंसर में थ्री टू फोर कोटेशंस ऐड करनी है टेक्सचुअल लाइन्स ऐड करनी है इसकी लाइन्स तो वैसे ही बहुत ईजी हैं कुछ पोइम्स की डिफिकल्ट भी हैं बट यू हैव टू लर्न इट ओके एंड यू हैव टू राइट दीज लाइन्स इन द प्रोमिनेंट वे ना उसको मार्कर से प्रोमिनंट करके लिखेंगे लाइक like आप पोइट्री वगैरह उर्दू में भी लिखते हो ना इस वे में आई यू हैव टू अर्थ द रिमार्क्स कम अज कम दो किसी भी क्रिटिक के रिमार्क्स आपने नेट से सर्च करके वो एड कर लेने हैं Uh, why I'm saying to you because uh, your presentation of the paper will be good if you do this now nah? and the examiner, examiner appreciate uh, such type of paper now nah? so there are many students who uh, got uh, good numbers okay who secure good marks just because of the presentation of their paper so, you must also focus on the presentation of your paper. Okay, well, all these things have been described here. And if you couldn't get any point and if, if you feel any problem anywhere, then you can ask for me. I'll guide you, inshallah. Okay, girls, thank you and stay blessed.